तो हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, वे अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकते हैं, ये अपडेट है। और इसके साथ साथ आईपीएल 2024 की सीजन से भी बाहर हो सकते हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में बॉलिंग करते टाइम उन्हें टखने में चोट लगी थी और उसके बाद से लगातार वे वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे। उसके बाद वर्ल्ड कप के जस्ट बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचेस की घरेलू सीरीज खेली गई, वहां पर भी नहीं खेल पाए, साउथ अफ्रीका दौरे पर भी नहीं है। अब 11 से 17 जनवरी तक जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली जानी है उसमें भी उनके बाहर होने की खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी अपडेट आ रही है कि वे आईपीएल के 2024 के सीजन से भी बाहर हो सकते हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने ट्रीट किया था गुजरात टाइटंस से और अपना कप्तान बनाया है, तो मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर तो यही अपडेट है। अब इंडियन टीम के लिए भी वे अवेलेबल नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। अगली जो अपकमिंग सीरीज है अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर खेली जानी है और साथ ही साथ आईपीएल 2024 के सीजन से भी बाहर हो सकते हैं, टकने में चोट थी। फिलहाल अपडेट मीडिया रिपोर्ट्स में यही आ रही है। वेल, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या का आईपीएल से अगर वे बाहर होते हैं या फिर अपकमिंग जो इंडिया की सीरीज है उनमें नहीं खेल पाते हैं तो इंडियन टीम के लिए कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, खासकर अगर बात की जाए आईपीएल के लिहाज से जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें कप्तान नियुक्त किया है और रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे अगले सीजन में और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, ऐसे में मुंबई इंडियंस के लिए ये कितना बड़ा झटका है, आपको क्या लगता है? अपना टेक हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और बाकी की तमाम स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी।